बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5। इसके पहले के प्रश्न हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या आई बटन में देख सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहली बात यह कही गई है। उसके बाद कहा गया है कि इसका जो परिमाप है वह अर्ध परिमाप, ठीक है, परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब परिमाप का जो आधा है वह 36 मीटर है। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे आयताकार बाघ है, कोई भी आयताकार बाघ हो सकता है। तो जो आयताकार बाघ है इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हम मान लेंगे x, लंबाई है x, और इसकी जो चौड़ाई है वह y है, ठीक है। आयताकार बाघ की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, माना कि इसको हम हल कर रहे हैं, हल, और पहले हम लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर है, लंबाई x मीटर है हमने मान लिया है, तथा बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो हमने मान लिया कि जो बाग था, आयताकार बाग है, इसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि जो आयताकार बाग है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर जो है x जो है इसकी लंबाई है और y इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये अधिक है। तो यदि हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 जोड़ दी हमने तो यह दोनों बराबर हो गए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, हमने 4 मीटर इसमें जोड़ दिया, तो अभी दोनों बराबर हो गए। यह हो गया x बराबर y धन 4। यदि y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x ऋण y बराबर 4। तो हमारी समीकरण। इसके बाद कहा गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब जो बाघ है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप दे रखा, तो हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है, तो आयत जो है बाघ है, आयताकार बाघ है, तो बाघ का परिमाप लिख देते हैं हम यहाँ। बाघ का परिमाप बराबर 2 लंबाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यह जो है आयत का परिमाप होता है, और यहाँ जो आयताकार बाघ है इसलिए हमने लिख दिया बाघ का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप दे रखा हमें प्रश्न में, अर्ध परिमाप दे रखा, मतलब इसका आधा, मतलब परिमाप का आधा। तो आधा परिमाप हो गया है, परिमाप का आधा करा तो इधर भी हमें बटे 2 करना पड़ेगा तो ही दोनों बराबर होंगे। तो ये था 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो इसके बटे भी आ जाएगा 1/2। दोनों तरफ हमने 1/2 कर दिया, क्योंकि इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा होगा, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे बचा है 1/2 परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि हमने यहाँ परिमाप को आधा करा, परिमाप को आधा करा, 1/2 करा, तो हमें 1/2 का गुणा यहाँ पे भी करना था। ये 2 यहाँ बटे में था तो 2 से 2 कट गया है, यहाँ बचा है लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पे 1/2 परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, तो यह 1/2 मतलब आधा परिमाप है, तो अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, यह है 36 मीटर। तो 36 बराबर लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x धन y बराबर 36। यह इसका दूसरा समीकरण बन गया, हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। अब हमें बाकी विमाएं ज्ञात करनी, तो हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 दोनों में हम x का मान
रखेंगे जिससे कि हमें y का मान मिल जाएगा दोनों समीकरणों से और उसके बाद हम उसे ग्राफिक रूप से हल करेंगे। तो चलो करते हैं। हमारा जो पहला समीकरण है वह है x ऋण y बराबर 4। तो यहाँ हम x का क्या मान रख दें, तो x का मान यदि हम 1 रख देते हैं, इसको यहाँ पर रफ में हम यही कर लेंगे, x का मान यदि 1 रख दे तो 1 ऋण y बराबर 4, ऋण y बराबर 4 ऋण 1, तो ऋण y बराबर हो जाएगा 3। तो ऋण y बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पे y का मान ऋण 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ एक छोटी सी सारणी बना लेंगे जिसमें x और y के मान रख देंगे। तो x और y का जो पहला मान तो हमने निकाल लिया है, इसके बाद हम दूसरा भी निकालेंगे। तो x का मान हमने रखा 1, y का आ गया है ऋण 3। अब हम x का ऐसा मान रख देते हैं जिससे कि यह धन की संख्या जो है 4 में से घटाने पड़ेंगे। तो हम x का मान रख देते 5। तो x का मान यदि 5 रख देंगे तो 5 ऋण y बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण y बराबर 4 ऋण 5, 5 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि 5 बड़ी है और इस पे ऋण का निशान है, तो ऋण के 1 बचेंगे। तो ऋण y बराबर ऋण 1, ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर 1। तो x का मान यदि 5 रखते हैं तो y का मान आ गया 1। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 लिखेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण 2 है, यह समीकरण 1 से निकाला था हमने ये मान, और समीकरण 2 है x धन y बराबर 36। ये समीकरण 2 है, इससे भी हम x का, इसमें भी हम x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का मान हम क्या रख सकते हैं, तो इसको देखते हैं हम कि x का मान हम क्या रख सकते हैं। यह बड़ी संख्या है यहाँ पर 36, और यहाँ जो x का मान जो भी रखेंगे तो वो यहाँ पर घटाव में आएगा, है ना। तो x का मान हम रख देते हैं 12। x का मान यदि हम 12 रख दें तो 12 धन y बराबर 36, y बराबर 36 ऋण 12 और y बराबर हो जाएगा 24। तो x का मान यदि हम 12 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 24। इसी प्रकार अब हम x का एक और मान क्या रख सकते हैं, तो x का मान यदि हम 16 रख देते हैं, x का मान हमने 16 रख दिया तो 16 धन y बराबर 36 हो जाएगा। अब y बराबर 36 ऋण 16 और y बराबर हो गया 20, ठीक है। 36 में से 16 घट जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो x का मान यदि हम 16 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 20। तो अब हमें समीकरण 1 व 2 दोनों से x और y के दो दो मान प्राप्त हो गए हैं। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, वहां पर निरूपित करेंगे इससे, जिससे कि इसका हल आ जाएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, इसमें ये x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है, इसमें धन वाली संख्या इधर आएगी, ऋण वाली संख्या इस तरफ आएगी। इसी प्रकार ये वाला y अक्ष है, इस पे धन वाली संख्या इधर आएगी और ऋण वाली जो संख्या होगी वो इस तरफ आएगी नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो बीच में है जीरो है। तो समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुए थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं, यह समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुए थे, यह समीकरण 2 से जो मान प्राप्त हुए थे वह लिख लिए हैं। और इसको यहाँ प्रदर्शित करने के पहले हम कुछ इकाई मान लेंगे। तो हम एक वर्ग जो इकाई है इसको दो इकाई में बांटेंगे, मतलब इस वर्ग को हम दो, एक और दो, दो भाग में बांट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, इसी प्रकार यहाँ 3 और ये 4, इसके बाद यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22। तो x अक्ष पर हमें अधिकतम जो संख्या दिखानी है वो 16 ही थी, तो 16 है, 12 है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष पे जो अधिकतम संख्या है वह 24 और 20 है, और इधर ऋण 3 है, तो ऋण 3 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और ये 3, ये ऋण 3 हो गया, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 जो हमें अधिकतम दिखानी है। हमने देख लिया यहाँ पे 24 हो जाएगी, ये 24 है, और 24 के बाद 23, 22, 21 और यह 20 है। इसके बाद हमें दिखाना है y अक्ष पर दिखाना है 1, तो
एक यहाँ पर आ जाएगा और ये ऋण तीन हो ही क्या है। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले समीकरण एक से जो मान आया था वह था एक और ऋण तीन, तो यहाँ पर एक है और ऋण तीन यहाँ पर है, तो एक और ऋण तीन का बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, एक और ऋण तीन का बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर। और दूसरा जो मान था x का था पांच, x का पांच और y का था एक, तो y का एक ये होगा, तो पांच और एक मतलब ये बिंदु मिलेगा, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। अब दूसरे बिंदु भी देख लेते हैं समीकरण दो से, तो समीकरण दो से पहला जो था मान 12 है और y का 24, तो 12 होगा यहाँ पर, 12 है यहाँ पर और 24, तो 24 है यहाँ पर, तो 24 में तो 12 के समानांतर में हम जाएंगे 24 पे, तो 24 हो रहा है यहाँ पर, तो ये बिंदु बनेगा इसका। उसी प्रकार जो दूसरा मान आया था 16 और 20, तो 16 है यहाँ पर और 20 है यहाँ पर, तो 16 और 20 की जो रेखा बिंदु मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर, 16 और 20 का बिंदु मिलेगा। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो चलो मिला देते हैं। हमने इन दोनों बिंदुओं को और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, तो ये बिंदु जहाँ मिले हैं, तो यह वाला तो x पे है 20 और इधर से जो है इसको गिन लेंगे, तो 20 के बाद 19, 18, 17 और 16, ठीक है, तो ये 16 है, तो यहाँ पे 16 है और ये है 20, तो ये हो जाएगा 16 और 20, तो यह हमारा जो उत्तर आ गया है 16 और 20 उत्तर है उसका। जो x और y के मान आए थे, तो x का मान आया है, x का मान आया है 20, x का मान आया है 20 और y का मान आया है 16, तो यह हम उत्तर लिख देंगे, का उत्तर हम लिख देंगे, ठीक है, उत्तर लिख देंगे, उत्तर x बराबर 20, y बराबर 16। तो हमसे यही पूछी थी, बाघ की विमाएं पूछी थी, तो हम यह भी लिख सकते हैं, बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं बराबर लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर है, यही इसका आंसर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।